कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक है, एकदम बेकरी जैसा। कई बार हम केक बनाने के बारे में सोचते तो है, लेकिन केक बनाने के लिए इतने सारे झंझट होते हैं। बेकिंग पाउडर, दही, विनेगर, दूध, दूध अगर फ्रिज में रखा है तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने का वेट करो। फिर अगर इतना सब कुछ करने के बाद हम केक बना भी लेते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छे से फूलेगा। लेकिन हम आज बहुत ही आसान तरीका देखेंगे जिससे बिना झंझट के हमारा केक बहुत ही अच्छा और बेकरी जैसा फूला हुआ बनेगा। तो आइए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले केक बेक करने के लिए हम केक टिन तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने एक नॉर्मल कॉपी का पेज लिया है, किसी बटर पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। बिना बटर पेपर के भी हमारा केक बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और जिस भी बर्तन में हमें केक बनाना है उसके ऊपर इस तरीके से रखकर इसे कट कर लेंगे और इसे इस बर्तन के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बस इतना ही करना है और हमारा केक टिन तैयार है। अब इसे साइड में रख देंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। तो आज का हमारा सीक्रेट है ये प्रीमिक्स। जी हाँ, आज हम प्रीमिक्स से केक बनाएंगे जिसमें ना तो हमें कोई झंझट होगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये डाइवर्स का प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ मैं। इससे बहुत ही अच्छा केक बनता है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। आप एक बार ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रीमिक्स है। तो हम इसी से बनाएंगे। हम एक कप प्रीमिक्स लेंगे, आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हो इसे। तो एक कप भर के हम प्रीमिक्स लेंगे और इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच कुकिंग ऑयल मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर बनाएंगे। हमें इसका बैटर एकदम सॉफ्ट बनाना है, इसमें कोई सा भी लम्स नहीं होना चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बस इसे इतना सॉफ्ट करना है। लेकिन पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डाल देंगे वरना बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसीलिए हमें इसे बहुत ही सावधानी से इसका बैटर तैयार करना है। आप देख सकते हो हमारा बैटर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस हमें इसी तरीके का बैटर बनाकर तैयार करना है, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी वाला, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। एक कप प्रीमिक्स के लिए मैंने ये 1 कप पानी लिया था, उसमें से इतना पानी बच गया है। तो आप भी इसी तरीके से पानी का इस्तेमाल कीजिए। अब हम इस बैटर को केक टिन में डाल देंगे और बेकिंग के लिए रखेंगे। बेक होने के लिए रखने से पहले हम इसे अच्छी तरह टैप कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर एयर बबल्स है वो बाहर निकल जाए, जिससे हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक होता है और बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। केक को कुकर में भी बेक किया जा सकता है, लेकिन आज हम इस इलेक्ट्रिक ओवन में बेक करेंगे। इसे मैंने 180 सेंटीग्रेड पर पहले से प्रीहीट करके रखा है और बस हम इसमें इस केक टिन को रख देंगे और इसे लगभग 40 मिनट के लिए बेक होने देंगे। हमारा केक बेक हो चुका है और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बेक हुआ है और ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ट भी हो जाता है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ट हो रहा है और जो हमने पेपर लगाया था, बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया था, जो कॉपी के पेपर का इस्तेमाल किया था, उसके कारण भी ये हमारा केक एकदम आसानी से डीमोल्ट हो जा रहा है। उसमें बिल्कुल भी बैटर हमारा चिपकता नहीं है और बहुत अच्छे से निकलता है। आप देख सकती हैं कितने अच्छे से निकल के आया है और कितना ज़्यादा सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत एकदम बेकरी जैसा केक बेक हुआ है हमारा बिना किसी झंझट के। तो इसी प्रकार से आप भी ये हमारी रेसिपी ट्राई कीजिए और अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।